दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है आपका 7th मार्च 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7 बज के 22 मिनट हो चुके रात के, और मैं पहुंच गया हूँ अभी राजापुरी पे। राजापुरी की बत्ती क्रॉस कर ली है, अब जा रहा हूँ द्वारका सेक्टर 3 वाली बत्ती पे। आज राजापुरी की सर्विस लाइन से नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट राजापुरी की सेक्टर 3 और 4 की रेड लाइट से जाऊंगा। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद मैं आ रहा हूँ, और काफ़ी दिनों बाद इसलिए क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहा बिल्कुल भी, इस वजह से थोड़ा सा बिजी भी था। तो बिजी होने के चक्कर में क्या है कि काम बहुत सारे दोस्तों पेंडिंग रहते हैं, जिसको पहले करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो आज टाइम निकाल कर जल्दी जा रहा हूँ घर, यहीं की राइड मिल गई थी 10 पूरी साइड की। तो शीशा बंद कर दे, तो शीशा इतना ट्रैफिक की आवाज़ आती है। तो 10 पूरी भी ड्रॉप करके फिर अब जा रहा हूँ घर की तरफ। और गाड़ी आज कल थोड़ा सा कम चला रहा हूँ दोस्तों, कम इसीलिए चला रहा हूँ, थोड़ी तबीयत भी डाउन ही है अभी, मतलब प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाया। अभी मौसम भी आपने देखा ही होगा, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और फिर मौसम ने फिर करवट बदली, फिर मतलब ठंड सी हो गई है। तो अपने आप को दोस्तों बचाओ, जो भी नाइट में चला रहा है भाई, तो नाइट में भी अपना भैया विंडो रखो थोड़ी सी खुली, बिल्कुल खुली रखोगे, सर पे हवा लगेगी, सर दर्द हो जाता है एकदम से, और सर का दर्द दोस्तों बहुत भयंकर होता है। तो आज मॉर्निंग में निकला था दोस्तों, तकरीबन 9:30 बजे निकला था। 9:30 बजे पहली ट्रिप मिल गई थी मुझे रैपिडो में, सीधा गुड़गांव, गुड़गांव से फिर काम स्टार्ट किया, और गुड़गांव से फिर मेरे पास आ गई थी राइड आपका सीधा एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट ड्रॉप किया, एयरपोर्ट नहीं एरो सिटी की आई थी, एरो सिटी ड्रॉप किया, एरो सिटी से फिर मेरे को वापसी गुड़गांव की मिल गई। तो मैंने सोचा यार अब देर आए तो ले लो, क्योंकि वापसी में क्या है कि मुझे एक स्टेट टैक्स भी दे देता है साथ में 100 रुपये का, हालांकि वो देता है नेक्स्ट उसमें है मुझे, मतलब डीएल 180 गाड़ी वालों को ये एक बार देता है, बाकी लेता है कस्टमर से हर बिल पे, चाहे आप 4 चक्कर मारोगे तो आपके 4 बार लेगा कस्टमर से, बट आपको देगा नहीं, देगा सिर्फ एक बार, वो भी अगले दिन शाम के 6 बजे मिसलेनियस फाइल करके होती है, उसके अंदर आता है, वॉलेट में ऐड हो जाता है 6 बजे। तो अगर आपका भी मतलब आपको भी आपकी भी 180 गाड़ी है और आप हरियाणा जाते हो, तो आपको भी ये 100 रुपये देगा, और जिसकी 100 है उसको भी 100 रुपये देगा, बट हर चक्कर पे नहीं देगा, हर चक्कर पे आपको जो देता है वो आपका यूपी साइड का दोस्तों टोल देता है, यहाँ का ये नहीं देता है। तो गुड़गांव के लग गए थे, दो चक्कर लग गए आज, तो तकरीबन फिर वहाँ से दिल्ली में घूमता रहा उसके बाद फिर शाम को फिर एक बार गुड़गांव चला गया। तो गुड़गांव से फिर मेरे को एयरपोर्ट की मिल गई थी, एयरपोर्ट से सीधा 10 पूरी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओलापुर के बारे में ही, और पहली तो एक आपको गुड न्यूज़ दे दी जाए, गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि CNG के प्राइस हो गए ड्रॉप, 2.5 रुपये कम से कम कम हो गए CNG के प्राइस। तो ये हर ड्राइवर भाइयों के लिए खुशी की खबर है, खुशी की इसीलिए क्योंकि CNG बड़ी महंगी पड़ रही है। पहले CNG जो हम डलवाते थे दोस्तों, मेरे 7-8 साल पहले जब नई गाड़ी दी थी, 250 रुपये की फुल CNG हो जाती थी, और उस 250 रुपये में हमारा काम 2000 का भी हो जाता था, मतलब 500 रुपये की CNG होती थी, तो 3 से 3.5 हज़ार तक का काम 500 रुपये की CNG में हो जाता था। अब यह हाल है कि प्राइस हो गया डबल, 1200 की CNG लगती है, तब जाके हमारा काम होता है 2700-3000 तक का, ये अभी डिफरेंसेस है। बट अभी जैसे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी राहत दी है, 2.5 रुपये की भी राहत दोस्तों बहुत होती है, और आपको भी पता है 2.5 रुपये की राहत क्यों दी जा रही है, सबको पता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इलेक्शन सर पे है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें की मतलब पब्लिक को दी जाएगी, और पब्लिक से वोट जो लेना है, तो अपना दोस्तों राइट से आप सही वोट करिए बस, और ये मत देखिए कि कौन जहाँ बेनिफिट नहीं है, जो आपके उसमें काम कर रहा है, जो हर चीज़ में मतलब सूट करता है, उसी को वोट दो, ठीक है। चलो इन सब चीज़ों को हटाओ, ये पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स की हमें कुछ लेना देना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओलापुर के बारे में ही, और
दोस्तों मेरे पास काफी भाइयों के कमेंट्स आते हैं और एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। काफी भाई है ना, जब नई गाड़ी लेने जाते हैं तो उनके माइंड में देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, देखिए जिसका जितना बजट है वो उस हिसाब से गाड़ी परचेस करता है, ये तो आप मानते हो। बट अगर आपको देखिए काम करना है पैसा कमाने के लिए, कमर्शियल लाइन में हो तो अपनी चॉइस छोड़ दो। आपकी चॉइस अगर डिजायर की है या एटिका की है, ठीक है, तो मतलब जैसे आपको लग रहा है कि मेरी फेवरेट गाड़ी ये है, मैं इसे लेके चलाऊंगा, तो दोस्तों बिल्कुल भी मत करना ऐसी गलती। जो डिमांडेबल है, दिल्ली के रोडों पर जो डिमांड चल रही है, ठीक है, उस पे ही आप काम करिए, वरना क्या होता है कि वरना क्या होता है दोस्तों, देखिए हम अपनी पसंद से ले तो लेते हैं गाड़ी, बट उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें जो पसंद होती है वो ज्यादा पैसों की होती है। और अगर आपको सिर्फ बिजनेस करना, तो बिजनेस में दिल्ली की सड़कों पे कौन कौन सी गाड़ियां बेस्ट है, और हमें मतलब वही पैसा बड़ी गाड़ी में भी मिल रहा है, वही पैसा आपको छोटी गाड़ी में मिल रहा है, तो हम बड़ी गाड़ी लेके क्या करेंगे दोस्तों। जाहिर सी बात है, देखिए आप कमाने आए हैं रोड पे, तो आप बड़ी गाड़ी लेके क्या करोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर काम वैगनार या सैलरियो से चल रहा है तो हम डिजायर या सेडान गाड़ी क्यों ले। बहुत अंतर हो जाता है प्राइस में, 3 से 4 लाख तक का अंतर होता है, ठीक है। तो अब काफी ड्राइवर भाई जानना चाहते हैं कि ओला ओवर रेट किस हिसाब से मिलते हैं, डिजायर गाड़ी को कितना मिलता है, वैगनार को कितना मिलता है। तो दोस्तों आज मैं यही चीज क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और देखिए आपको समझना चाहिए कि उबर में सबसे ज्यादा डिमांड किस कैटेगरी में होती है, कौन सी गाड़ी की कैटेगरी में सबसे ज्यादा डिमांड चलती है। तो वो जो ओला ओवर ड्राइवर भाई चला रहे हैं उनको सबको पता है कि सिर्फ उबर गो की बुकिंग जो होती है वो उस पे बुकिंग सबसे ज्यादा हाई रहती है, डिमांड हाई रहती है। उसमें कस्टमर को ऑप्शन मिल जाता है कि कस्टमर को उसमें डिजायर भी आ जाती है कस्टमर को। हालांकि गो जो गो कैटेगरी है उबर की, वो वैगनार सैलरियो के लिए है, और जो उसके ऊपर है उबर एक्स है और सेडान है, तो ये गाड़ियां जो है ये आपका बड़ी है, जैसे डिजायर वगैरह हो गया, होंडा मेज हो गई, ओरा हो गई है, इनके लिए है। तो दोस्तों ये सब देखिए, जो अब आप सोच रहे होंगे राइडर गो ही क्यों बुक करता है, क्योंकि गो में दोस्तों सबसे मिनिमम फेयर होता है, कम से कम फेयर जो होता है वो इसी में होता है, और जो बड़ी गाड़ियां होती है उसमें 50-100 रुपए इतने तक का अंतर आता है। तो अब आप सोचिए 50-100 रुपए के पीछे आपको फेयर उतना ही मिलना है। अब आप बड़ी गाड़ी ले लोगे 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी करोगे, आपको रेट वही वैगनार का मिल रहा है। एक वैगनार वाला भाई भी वही कमा रहा है, एक डिजायर वाला भी वही कमा रहा है, तो हम क्यों डिजायर ले। और दोनों का दोस्तों दिल्ली में फर्क क्या है, दिल्ली की सड़कों पे फर्क क्या है, वैगनार जो है सैलरी जो है छोटी गाड़ी है, कहीं से भी निकल जाती है, डिजायर और ये जो गाड़ियां हैं इसमें थोड़ी सी आती है दिक्कत। और अगर आपने बड़ी एसयूवी ले ली है, एर्टिगा ले ली है, तो उसमें तो आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। तो हमेशा सोच समझ के अगर आप इस लाइन में आ रहे हो या आना चाह रहे हो या आ चुके हो या बुक करने के लिए जा रहे हो, तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना कि हमें अपनी पसंद नहीं, हमें दिल्ली की रिक्वायरमेंट की पसंद जो है, दिल्ली में जो ज्यादा डिमांडेबल है, जो ज्यादा पैसा हमें कम से कम पैसा लगा के अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाए, वो चीज हमें खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और काफी भाई जो जानना चाह रहे हैं ओला ओवर के लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है, कितना पैसा मिलता है, दोस्तों सिर्फ 40-50 रुपए तक का अंतर होता है वैगनार और डिजायर में, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। तो आप सोच समझ के अपना पैसा को इन्वेस्ट करिए सही तरीके से, सही तरीके से करेंगे तो आपको सही तरीके से उसे रिटर्न भी आप निकाल सकते हैं, वरना आप देखिए अपनी चॉइस से चलोगे तो कोई फायदा नहीं। मैं जब इस लाइन में आया था मेरी भी चॉइस थी मैं डिजायर लूं, जब मैंने पता किया कि दिल्ली की सड़कों पे कौन सी गाड़ी बेस्ट है, ये वैगनार चल रही थी उस टाइम। और अभी भी आप टैक्सी लाइन में अगर देखोगे दिल्ली एनसीआर में, मेरे ख्याल से अदर स्टेट में भी कहीं भी देखोगे आप, वैगनार आपको टैक्सी लाइन में सबसे ज्यादा दिखेगी। रीजन ये, छोटी गाड़ी है, ऊंची गाड़ी है, इजिली कहीं से भी निकल जाती है, फंसती नहीं है ना फंसने देती है ट्रैफिक में, तो जहां स्पेस मिलता है वहां से इजीली निकल जाती है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे एक लाइक एक शेयर जरूर करना। और आज का मैं काम आपको शेयर कर देता हूँ, आज मैंने कितना काम किया है, कोई ज्यादा खास नहीं किया, पर जितना करा है वो दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं 1319 रुपए का मेरा आज का काम है दोस्तों। और
इसमें एक रैपिडो की राइड है 400 कुछ रुपए की, तो 1300 और 400 हो गए आपका 1700, तो 1700 ये हो गए, और दो चक्कर लगे मेरे गुड़गांव के, तो गुड़गांव के दो चक्कर लगे, तो दो एमसीडी टोल मिला, एक स्टेट टैक्स मिला, 300 रुपये का टोल दोस्तों मुझे मिला है। तो 300 रुपये का टोल है, 1700 का, ये 2000 का टोटल काम आज हुआ है। 10:30 बजे निकला था और अभी टाइम 7:33 हो चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कितना घंटे का काम है, सिर्फ 9 घंटे का काम है, 8-9 घंटे का काम है, 8-9 घंटे में 2000 रुपये मैंने निकाल लिए हैं। इसमें सीएनजी जो मैंने पढ़वाई थी, सीएनजी अभी दिन के टाइम में तकरीबन 463 रुपये की थी, तो अभी सीएनजी का आज छोड़ देते हैं कितना हिसाब किताब हुआ, पर फिर भी आप एक तरीके से 500 रुपये हटा लो, 1500 रुपये नेट इनकम है। मैं आज इसमें खर्चे नहीं निकाल रहा, काफी भाई कहते हैं यार खर्चे क्यों निकाल ले ऐसी बताया करो, तो ठीक है दोस्तों आज ऐसी बता दी है, 1500 रुपये की इनकम है। ठीक है, 1500 रुपये में किसी को कुछ नहीं देना क्योंकि मेरी गाड़ी फ्री है। अगर आपकी गाड़ी ईएमआई पे है, नहीं है, तो आपको उसका खर्चा निकालना पड़ेगा, ड्राइवर हार गया तो उसकी सैलरी निकाल के तब जाके नेट इनकम आती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना दोस्तों, आप वीडियो देखते हो पूरी बट ना लाइक करते ना शेयर करते, ये थोड़ा सा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये चीज करके जरूर जाया करिए, मुझे काफी हेल्प मिलती है इससे और भाइयों के पास इम्प्रेशन जाता है वीडियो का, और भाई भी जिनको जानना है एक्चुअल में रियल जो फैक्ट है वो मैं बताता हूँ अपनी वीडियो में। मैं ऐसा नहीं कि भाई किसी को फंसाने वाले काम नहीं करता, जो अपडेट है वो जेन्युइनली बताता हूँ, तो किसी भाई को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता, जिसको नहीं अच्छा लगता वो स्किप करके निकल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए हर किसी का अपनी अपनी चॉइस है, जो जिसके बातें जिसको अच्छी लगी वो सही रहता है, जिसको नहीं लगती वो नहीं लगती, अपने मन के मालिक सब है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट शनिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय।